आप सभी का एक मतलब फिर से खैर मकदम करते हैं ग्रोइंग कश्मीर में, और मैं हूँ आपके साथ रुफायदा मंजूर। जैसा कि लगातार हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि मटन शॉप्स ये कश्मीर के श्रीनगर में लगातार सील होते जा रहे हैं, और बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट की रेट 535 रुपीज़ है, और जो मटन शॉप्स है वहाँ पर 650-700 में मीट भेजा जाता है। लेकिन उसको अगर हम साइड में रख के यहाँ पर मटन शॉप्स वालों के साथ बात करें तो उनका यही मानना है कि हमें रेट से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मसला अगर है तो मसला ये है जब भी वो यहाँ पर आते हैं बिना, अगर शॉप में मटन होता भी नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी शॉप को सील कर देते हैं, ऐसा क्यों है? सीधे यहाँ पर हमारे साथ एक मटन शॉप के ऑनर हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उन्हें क्या मुश्किलात आ रही है और क्यों उनकी शॉप्स को सील किया जा रहा है। आप अपना नाम बताइए और बताइए कि क्या मुश्किलात है। अहमद, मैं नापोड़ा में रहता हूँ, मेरा शॉप गेट में है, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम इस वक्त यह है गवर्नमेंट से इंतजा की जाती है मेहरबानी करके। ये एक गरीब तबका है, ये आते हैं हमें कोई भी कंप्लेंट नहीं आती है, 600 या 750 या 700 में कोई कंप्लेंट ही नहीं। हम इनको बता अगर कंप्लेंट है हमें कंप्लेंट दिखा कौन सी है, ये कह रहे हैं हमको ऊपर से ऑर्डर से, हम बताते हैं कौन सा ऑर्डर से, आप नीचे उतरो हमको सेल लगानी है पीछे से, ये पता नहीं ये ऑर्डर कहाँ से आते हैं। फिर हमने डायरेक्टर साहब से बताया, हमने बताया क्या बात क्या है, हमारे जो प्रेसिडेंट साहब थे वो वाहन के साथ गए थे, उन्होंने बताया इनलीगल है। हमने बताया चलो ठीक है, अगर इनलीगल है आप लीगल बना इसको, हाँ ना, वो तो बात सही है, अगर हम इनलीगल है इनको लीगल बनाना है, इनको लखनपुर को गाड़ियों को पकड़ो, वहाँ अगर होल सेलर आता है उनको पकड़ो गाड़ियों को, वही लीगल बनाओ। अगर हम दुकानदार इनलीगल हैं, जहाँ से गोली आती है सिर्फ आती है दुकानदार को, इन्होंने परसों गाड़ियाँ पकड़ी, पता नहीं है डायरेक्टर ने पैसे खाए किसने पैसे खाए, वो गाड़ियाँ छोड़ी, अगर वो उस वक्त इनलीगल थे गवर्नमेंट को ये कहना चाहिए लीगल बनाओ, अगर इनको पता है इनलीगल है लीगल बनाओ, अगर इनके पास ये नहीं आते हैं कोठीदार लोग उनको खसीट के लो, दुकानदार का क्यों हमला हो जाता है, वो आते हैं दुकानें बंद करवाते हैं और बाहर निकालते हैं मीट को बाहर निकालो, हमको पीछे से ऑर्डर, ये कौन सा ऑर्डर है? लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका मानना है कि आप लोग रेट में ज़्यादा जो है मटन बेचते हैं, इस वजह से आपकी शॉप सील। ठीक है, अगर हम रेट कम से कम हमको बताना, हमको कोई प्रूफ होना चाहिए ना, हमने 650, जबकि जब भी कोई हमको ग्राहक आता है वो बताता है सीधे से हमको मीट दे दो, चाहे 700 देगा, कोई किसी का कंप्लेंट नहीं है, हम खुद ही कहते हैं, हम नहीं बताते हैं 650 कम नहीं बेचते हैं कोई, हम बताते हैं 650 बेचते हैं, लेकिन जब हमको ग्राहक आता है वो बताते हैं हमको 650 रुपये मीट दे दो, हमको कुछ नहीं है प्रॉब्लम आप दे दो, जबकि गवर्नमेंट को हमको बताते हैं, हमको बताता है आप नीचे उतरो, नीचे उतरो हम सील लगाएंगे, ये सील क्यों लगाते हैं हमको पता नहीं है। अगर आपकी क्या रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन, हम मेहरबानी करके कहते हैं अगर है हमको कोई खामी आप दूर करो, मेहरबानी करके हमारा मीट, हाँ कोई भी ग्राहक नहीं जाता है, अगर कंप्लेंट होगा वो बताता है इसका कंप्लेंट है, इसने लिया 650 में, इसने लिया 700 में, हम बताते फिर हम जुर्मवार अगर सील भी लगाते FIR भी काटते वो दूसरी बात है, जब कुछ है नहीं कंप्लेंट कोई नहीं है खुद ही बताते पीछे से कंप्लेंट है, चलो अगर इनलीगल है लीगल बनाओ, चाहे कोई भी होता है उसको बताएं चलो उसको लगाओ, इन्होंने परसों गाड़ियाँ पकड़ी लखनपुर में फिर उनको छोड़ा, उनको क्यों छोड़ा, अगर वो इनलीगल थे फिर उन्होंने क्यों छोड़ा, ये सीधी सी बात है, आप भी अगर हमारी जगह होगा आप भी यही बताओगी, अगर इनलीगल माल है गवर्नमेंट बड़ा उनके हाथ बहुत लंबे हैं, गवर्नमेंट के हाथ लंबे होते हैं वो हर एक किसी को पता है, फिर पकड़ो उनका आईडियो को वही छोड़ो फिर उनको इनलीगल बनाओ फिर उन्हीं को दे दो राशन, हम कहाँ से लाएंगे 20-20 हज़ार। हमारे पास एक और शॉप ओनर है, इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि क्या मुश्किलात आ रही है, क्या वजूहत है इनकी शॉप्स को सील किया जा रहा है। आप अपना नाम बताइए और बताइए क्या मुश्किलात आ रहा है। हमारा नाम महराजदीन है, मैं मटन शॉप चला रहा हूँ इधर नापोरा में ही। हमारी प्रॉब्लम अभी ये है कि फूड डिपार्टमेंट वाले आते हैं वो हमें बोलते हैं मीट निकालो शॉप से बाहर और सील करते हैं, उनसे हम कहते हैं और उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं क्या बात है, क्या प्रॉब्लम क्या है, हमारे खिलाफ़ कोई कंप्लेंट भी नहीं आ रही है, लोग हमसे काफ़ी खुश है, वो हमारे पास मीट ले रहे अच्छी तरह मीट ले रहे, उनको पता है कि महंगाई कितनी है, हर किसी चीज़ में महंगाई चढ़ गई है, लेकिन जो फूड डिपार्टमेंट वाले वो बोल रहे हैं इस टाइम हमें ऑर्डर आया है, हमारे जो और भाई है उन्होंने उनसे कहा जिनकी अभी सील हो रही है उन्होंने उनसे कहा उस टाइम हमें वो ऑर्डर कॉपी दिखाई है,
लेकिन वो उनको नहीं दिखा रहे, बोल रहे हैं आप काफ़ी रुकवे खाली, बोल रहे हैं आप नीचे उतरो हम सील करेंगे। फिर भी हमारे भाई उनसे कह रहे हैं किस बात पे हमें सील हो रही है, वो बोल रहे हैं क्योंकि मीट महंगा हो रहा है, लेकिन हमारे खिलाफ़ अभी कंप्लेंट नहीं आ रही है, सिर्फ बोल रहे हैं कि ऑर्डर आया है वहाँ से, ऑर्डर कॉपी आई है आपके लिए, हमें हमें आपने एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल किया कि आप लोग 535 का बोल रहे हैं, हम अगर 650 में भेज रहे हैं तो हमें आगे से ऐसा पड़ता है। ये तो उनको पता है, ये तो पिछले 2-3 सालों से चल रहा है, पिछले जो इससे पहले ईयर था उस टाइम भी इनसे हमने बात की, जो एडमिनिस्ट्रेशन है LG साहब से भी रिक्वेस्ट की हमने कि इस तरह की प्रॉब्लम है, मीट वहाँ से महंगा आ रहा है, दिल्ली में मीट 650 बिक रहा है, 700 बिक रहा है, हमारा ये वहाँ से जो बेड़ू आ रहे हैं एक बेड में हमारा 800-900-700 रुपया रेट चल रही है, हम कहाँ से लाएंगे, हम नहीं दे सकते। उनसे हमने बात की आप खुद दे दो, आप जो है जिस तरह आप चावल लाते हो उसी तरह आप खुद बेड़ू लाओ, हम काटेंगे, हमारी जो मजदूरी बनती है तो वही दे दो। हमने उनसे बात की पिछले साल भी, पता नहीं इनको एक साल के बाद फिर से ये रिपीट आता है, निकलते हैं ऐसे ही, अभी इनकी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, अभी इनकी क्या प्रॉब्लम है, अभी निकले क्या ऑर्डर्स आए, वो ऑर्डर कॉपी अगर हम देखना चाहते हैं कि क्या ऑर्डर कॉपी है। और आप देखिए जो हमारे लोग है, जो हमारे अवाम है, वो सेटिस्फाई है, वो कह रहे हैं सिर्फ हमें एक क्लास मीट दीजिए, अच्छी तरह मीट दीजिए, उनको पता है इनकी रेंट कितनी है, इनका खर्चा कितना है, इनका शॉप पे कितना खर्चा है, वो कहाँ से लाएंगे, वो कहाँ, उनको पता है आप कहाँ से लाए, वो अभी तो बच्चे बच्चे को पता है कितने बाहर की रेट क्या है मीट के, अभी यहाँ की क्या रेट है, कितना रेंट चा, ये पिछले साल गए भी थे बाहर, उन्होंने वहाँ पर भी निकाला टोटल, वहाँ पर फारूक अहमद जो है वो भी गए थे, बाहर फारूक अहमद डार वो भी गए थे दिल्ली, उन्होंने भी उस टाइम कहा था इसे इसके जो अगले 9 महीने या 5 महीने के बाद एक्स्ट्रा हम देंगे दूसरा रेट लिस्ट आपको, लेकिन फिर भी रेट लिस्ट नहीं दिया। अगर अभी इनको ये स्टेप उठाना था, मैं कह रहा हूँ सिर्फ अगर इनको ये स्टेप, इनको हमसे बात करनी थी, हमें बुलाना था, हम तो ये समझो हम दुकानदार है, हम तो मजदूर शख्स है, हम कोई उतने उतना बड़ा तबका, सिर्फ उतना बड़ा तबका नहीं है, हम तो निकलते हमारे बच्चे हैं, हम निकलते हैं शॉप पे और बोलते हैं चलो उतरो दुकान से, हमारी बेइज्जती होती है। आपकी क्या रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से? ये रिक्वेस्ट है अभी DC साहब से, ये रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस पे गौर कीजिए, ये आते हैं शॉप पे, आप देखिए किस तरह का मसला क्या है, आप रेट देखिए बाहर की, आप देखिए जो मार्केट में एसेंशियल चीज़ है, ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ है, उनमें कितनी चढ़ाई होगी, उन पर कितनी नज़र डालते हैं, ये खाली मीट पे इशू बनाते हैं, ये गरीब लोग एक हफ्ते में एक बार या दो बार खाता है, ये इशू बनाया, आप देखिए चारा भी नहीं खा सकते, आप देखिए सब्जी में देखिए दूध हर किसी चीज़ मेडिसिन में देखिए, वो तो आम जिंदगी में हमारा ज़रूरत है, उनमें नहीं नज़र डालते, खाली मीट पे इशू लगाया इनने। हम रिक्वेस्ट करते हैं इनसे कि आप इस पर गौर कीजिए प्लीज़, हम गरीब तबका है, इस पर आप अच्छी तरह से गौर कीजिए और इस ये मसला हल कीजिए, हमारी भी रेस्पेक्ट होती है, हमारी भी रेस्पेक्ट है, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे बच्चे बोलते हैं कि हम भी एजुकेटेड हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं और दुकानों पे अपना काम करते हैं, हमें उस टाइम नौकरी नहीं मिली और फिर अपना बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन ये भी नहीं करने देते, उन्हीं से बोलो हम क्या करना क्या है हमें। बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लगातार हम देख रहे हैं कि वादी कश्मीर के श्रीनगर में कई सारे मटन शॉप्स को सील कर दिया गया, कई सारे रीज़न्स इसके पीछे भी है, और अगर हम मटन शॉप्स वालों की बात करें, उनके ओनर्स की बात करें, तो वो सरापा एहतजाज है कि बिना किसी रीज़न के, बिना ऑर्डर कॉपी दिखाए हुए हमारी शॉप्स को सील करते हैं। इसी पर आज हम बात करने के लिए ऑफिशियली आए हुए हैं मुश्ताक साहब के पास, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर है, इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि क्या जितने भी एलिगेशंस इन पर लगे हुए हैं किस हद तक वो सही है। सीधे सवाल पर आते हैं सर, जैसा कि हम मटन शॉप ओनर्स की बात करें, लगातार उनमें गम व गुस्सा देखने को मिल रहा है, उनकी कई सारी एलिगेशंस आप लोगों पर है। पहली एलिगेशन अगर हम बात करें तो उनका मानना है कि आप लोग उनकी शॉप्स पर आते हैं बिना ऑर्डर कॉपी दिखाए हुए, आप उनकी शॉप्स को सील करते हैं, चाहे शॉप में मटन हो या नहीं हो, आप उठा के उनकी शॉप्स को सील करते हैं और अगर वो ऑर्डर कॉपी देखने के लिए आपको बोले तो आप उनको नहीं दिखाते हैं। देखिए, मुझे एक बात पहले समझ नहीं आ रही है, ऑर्डर कॉपी कौन सी उनको दिखानी है। आपको याद होगा कि गवर्नमेंट ने एक रेट फिक्स किए, वो भी एक क्लास मटन को, वो 535 रुपये उनको लोगों तक पहुंचाना है। इसमें उनका ही योगदान है, क्योंकि हमने होलसेलर जितने भी थे वो जब मीटिंग में बैठे थे
उन्होंने इस पर दस्तखत किए, इस रेट पर रिटेलर्स के प्रेसिडेंट साहिबान ने दस्तखत किए। और ये लोग आप खुद भी जानते हैं, ये लोग एक्सेस चार्जेस लेते हैं लोगों से और इलीगल ट्रेड करते हैं, इलीगली माल भी लाते हैं, ना कोई इनके पास लाइसेंस है ना कुछ है, गवर्नमेंट कैसे ये होने देगा। वजह यही है, एक तरफ से एक रेट लोगों से ज़्यादा वसूल कर रहे हैं और दूसरी तरफ से इनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंटल प्रूफ नहीं है ट्रेड का जिसमें ये माल आ सकते हैं। बिल्कुल, जैसा आपने अभी कहा कि कौन सा ऑर्डर हम इनको दिखाएंगे, मटन शॉप ओनर्स का ये भी मानना है कि जब हम इनसे बोलते हैं कि आप लोगों ने शॉप्स को सील क्यों किया, तो वो बोलते हैं कि ऊपर से ही ऑर्डर आया, हम वो ऑर्डर कॉपीज इनसे मांगते हैं। ये आपको देखिए, आप ये लोग क्या बोलते हैं, हर एक जो जिसके साथ ये हो रहा है वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए कोई भी चीज़ गलत बोलेगा। आप लोगों को मालूम होगा पिछले बहुत टाइम से हम ऐसे दुकान उसको सील कर रहे थे, चाहे उसमें चार आते थे या पांच आते थे, अभी इनकी हमने तादाद बढ़ाई इसलिए आपको नज़र आ रहे हैं क्योंकि हम पहले कंसंट्रेट इस पर मटन शॉप्स पर करें, क्योंकि ये जब भी हम इनको डिसील करते हैं तो ये अपने महल कमेटी के जो प्रेसिडेंट साहिबान हैं उनसे लिख के लेते थे, और वो महला प्रेसिडेंट साहिबान जो हमें बोलता है कि मतलब मैं जिम्मेवारी लेता हूँ ये गवर्नमेंट रेट पर ही देगा, फिर भी उसके बावजूद भी ये लोग उस रेट पर नहीं देते हैं लोगों को, एक्सेस चार्जेस लेते हैं, कहीं 600 लेते हैं, कहीं 650 भी हमें खबरें ये मौसूल हुई हैं, पता चला कि ये 650 भी, किसी जगह इससे भी ज़्यादा हमने पकड़े हैं लोग जो इससे ज़्यादा भी बेच रहे थे। बिल्कुल, आपने जैसे बोला कि आपको कई सारे खबरें मिली 650 के जो है ये लोग मीट को सेल करते हैं, लेकिन उनका मानना है कि हमें आगे ही उतने रेट में मिलता है, तो हम किस रेट में बेचेंगे? देखिए ये बात ये मेरे समझ में नहीं आता है कि आगे उनको कहाँ कौन से आगे रेट उन्होंने फाइनलाइज की, हमने तो नहीं किए, एक तरफा रेट नहीं है, गवर्नमेंट ने कोई एक तरफा रेट नहीं निकाली है, इनके साथ बैठ के ही तो रेट निकाली है। अगर इनको लग रहा है कि इनके साथ कोई ऐसी नाइंसाफ़ी हो रही है, वो गवर्नमेंट के पास आ सकते हैं, हमारे पास आ सकते हैं और बैठ सकते हैं कि अगर रेट को रिवाइज़ करना है, इनके पास कोई ऐसे डॉक्यूमेंटल प्रूफ होंगे तो तभी तो करेंगे, लेकिन इनके पर ये तो सारा ट्रेड ही इलीगल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगी। इनका मानना है कि हम कई समय से इनको बोल रहे हैं कि हमें वही से मीट फराहम करें, अगर आप 535 में बोल रहे हैं मीट देने के लिए, आप हमें 520 में दे दीजिए, हम 535 में बेच देंगे। देखिए ये बात नहीं, ये मुमकिन है जो बात कह रहे हैं कि वहाँ से दे दे गवर्नमेंट के पास, तो फिर हमें इनकी क्या ज़रूरत है, गवर्नमेंट अपने सोर्सेज अगर इस्तेमाल करेगा तो गवर्नमेंट अपनी शॉप्स खोलेंगे फिर, तो हमें इनको क्यों देना पड़ेगा फिर। जब ये लोग ये काम करते हैं, क्योंकि जब भी कोई एस्टैब्लिशमेंट खोलने की कोशिश करता है किसी भी जगह का, तो उसे को लॉ ऑफ द लैंड फॉलो करना पड़ेगा, इनको भी वही करना है। अगर ये चाहते हैं कि हम इनको रेडीमेड सामने पहुंचाएं फिर ये काम करें, इसके लिए गवर्नमेंट वो नहीं कर सकते हैं, ना कोई डिपार्टमेंट ऐसा कर सकता है। अब बिल्कुल, एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे उठता है, जो कि मटन डीलर्स ने कल एक और एलिगेशन लगाया कि लखनपुर में मीट की जो शीप्स की गाड़ी आई हुई थी, तो उसके बाद उनको वहाँ पे पकड़ा गया था, और ये मटन डीलर्स का कहना है कि डायरेक्टर साहब ने पैसे खाए हैं, उसके बाद उस गाड़ी को वापस छोड़ा गया है। देखिए ये बकवास कह रहे हैं डायरेक्टर साहब, हमारे ईमानदार डायरेक्टर साहब हैं, ऐसी बात नहीं है, गलत बोल रहे हैं ये लोग, गलत एलिगेशन दे रहे हैं। अगर किसी ने ऐसे बोला है हम उसके खिलाफ केस करेंगे, ऐसी कोई बात हुई भी नहीं है। अगर हम कोई मटन गाड़ी पकड़ेंगे उसको हम ऑक्शन करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, हम छोड़ेंगे उसको, जो भी इलीगल ट्रेड करेगा हम उसको पकड़ेंगे, उसका ऑक्शन होता है। और इसकी एक कमेटी बनी है हेडेड बाय द डिप्टी कमिश्नर कंसर्न ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से वो खुद ही उसका ऑक्शन करते हैं, और इसका हाईकोर्ट की डायरेक्शन है, ये नहीं है कि कोई ऐसे गाड़ी उठा के तो फिर छोड़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। डायरेक्टर साहब कोई इसमें ऐसे कोई बात नहीं, जिसने भी ये बात की है गलत किया है, अगर हैं आपके पास किसी जिसने भी किया है हम उसके खिलाफ केस करेंगे फिर। बिल्कुल, आखिर में आपसे ही जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब ये लोग एलिगेशंस लगा रहे हैं या बाकी सारी चीज़ें कर रहे हैं, इनका यही मानना है कि लोगों को कोई कंप्लेंट नहीं है, लोग हमसे ख़रीदने आ जाते हैं, और जब लोग हमसे खरीदते हैं हम उनको सीधे बोल देते हैं कि भाई 650 का पर केजी पड़ता है, और वो हमसे ख़रीदते भी है, तो जब लोगों को मसला नहीं है तो इन लोगों को क्यों? देखिए ये जो मटन है ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में आता है, लोग कोई भी किसी के पास कोई भी ज़रिया हो पैसे का वो ख़रीदना चाहता है, हमें उसके साथ कोई मतलब नहीं। हमारा डिपार्टमेंट, हमारा काम है प्राइस को कंट्रोल करना है, जो गवर्नमेंट ने फिक्स रेट्स किए हैं उसी पर इनको देना है, चाहे कोई भी इसको कोई भी इंसान हो कोई भी व्यक्ति हो उनको ज़्यादा रेट दे रहा है, हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन गवर्नमेंट रेट जो भी गवर्नमेंट ने फिक्स किए हैं उसी पर इनको कायम दायम रहना है।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर मुश्ताक अहमद थे, जिन्होंने हमें बताया कि जिस तरीके से मटन डीलर्स ने एलिगेशंस लगाए थे, वो हमने इनसे भी सुना कि असल में बात क्या होती है। अब उनका भी अपना मानना है और इन्होंने भी अपनी लीगली जितनी भी बातें थी हमारे सामने रखी है, और हमें उम्मीद है कि लोग भी अगर मुश्किलात में होते हैं तो वो ज़रूर अपनी बात सामने रखे, ऐसा ना हो कि मजबूर होकर आप लोग ऐसा काम करें जिससे दूसरे लोगों को सफ़र करना पड़े। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।